फाइनली केदारनाथ 16 किलोमीटर का बोर्ड आ चुका है। उड़ीसा से आए ना 5 लोग, इनके साथ जुड़ के हो गए हम 6। एडमिट रूम में आए सुबह के 3:30-4 बजे, गौरीकुंड के लिए निकले हैं हम लोग। गौरीकुंड पहुंच के आपसे मिलते हैं। तो फाइनली पहुंच चुके हैं गौरीकुंड, बहुत ही अद्भुत जगह है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रॉपर ट्रैकिंग। गेट से अंदर जा रहे हैं हम लोग। पीछे हालत बहुत खराब थी, घोड़ों के गोबर से पूरा भरा हुआ था बीच। अभी ये सारे लोग जा रहे हैं यहाँ से, हम भी पहुँचते हैं। भाई का कुछ बोल ही नहीं सकते, इतनी खतरनाक वाली चढ़ाई है यहाँ पे। ऊपर से ये घोड़े खच्चरों की वजह से बहुत दिक्कत होती है, और चढ़ाई भी यहाँ से उधर चलना है हमें। और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ फिलहाल अभी, और भाई लोग हैं जो उड़ीसा से आए, इसके साथ ही हम लोग आगे जा रहे हैं। इधर को यह है वाटरफॉल, देख सकते हो कितना शानदार है, वहाँ से यहाँ पे पानी आ रहा है, बहुत ही बढ़िया है। एक भाई ये है मानस भाई, और ये दूसरे फोटो शूट कर रहे हैं, देख रहे हो लड़के। तो उधर ऊपर बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं। इस चलाई से होते हुए नीचे की तरफ आ चुके हैं हम लोग, और सामने देख सकते हैं ये वाटरफॉल है पूरा, और इधर से ये पुल क्रॉस कर रहे हैं, और इधर से देख सकते हो नदी जा रही है बिल्कुल। बहुत ही खतरनाक माहौल रखा है, बारिश हो ही रही है, उधर भाई लोग गड़े हैं। और इधर देखो बहुत ही, ये बिल्कुल ऊपर जाना है हमें टॉप पे, यहाँ से टॉप पे चढ़ के फिर मिलते हैं आपसे। उससे पहले साला कैसे गए, यहाँ पे खड़े होना रिस्क वाला यार, हिलना चलो फिर मिलते हैं। इधर से देख सकते हो यहाँ से चढ़ाई करते हुए ऊपर की तरफ आ रहे हैं, हालत एकदम खराब हो जा रही है बिल्कुल चढ़ाई करते करते। और यहाँ से होते हुए भाई साहब उधर चलना है, उधर से वो टॉप पे चलना है, उसको क्रॉस करके और 5-6 किलोमीटर आगे जाना है। हालत एकदम जबरदस्त हो रखी है सबकी, सबकी हालत बहुत बढ़िया चल रही है, तो पैर नहीं आगे, पैर आगे नहीं उठ रहा किसी के भी। ये बैठा हुआ है उधर, दूसरा दिमाग वाग खराब है सबका। यहाँ से हम लोगों ने खा ली मैगी, भाई लोगों ने खाया दाल चावल, और यहाँ से ये सामने देखो बर्फ ही बर्फ दिख रहा है, और आगे की तरफ चलना है हैंगर, फिर चल रहे। चलो भाई कुछ खाने के बाद ना अलग ही एनर्जी आ गई ना बड़ी। हैंगर 2-4 जैसे देखो, इतनी भीड़ तो भाई कहीं और देखी नहीं मैंने। रोड बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ही ज्यादा। तो अभी स्टार्ट हो चुका बर्फ का, एकदम सामने सामने आ रहा है बर्फ, एकदम बर्फ ही बर्फ है, पूरा ग्लेशियर है सामने एकदम। तो ये देखो बिल्कुल पूरा ग्लेशियर है सामने, लोगों ने अच्छे भले बर्फ ग्लेशियर को पूरा गंदा कर रखा है पूरा। देखो क्या कर रहे हैं, कोई तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पता नहीं अलग ही दुनिया में रहते ये लोग, इसीलिए आए हैं यहाँ पे शायद। अच्छा वाला था ही है, पता नहीं इसको पिघला दे रहे हैं लोग बिल्कुल तोड़ तोड़ के, क्या ही बोल सकते हैं लोग। चलो सिग्नल हो गया, आयो जिसके ऊपर चल रहे ना, ये भी बर्फ ही है। Oh.
फाइनली पहुंच चुके हैं बेस कैंप। यह है बेस कैंप, चारों तरफ सरकारी टेंट लगे पड़े हैं इसीलिए इसको बेस कैंप बोलते हैं। और इधर से देख सकते हैं हिमालयन पिक्स दिख रहे हैं कितने तगड़े तरीके से। यार यहाँ पे हवा बहुत हल्का है, हालत खराब हो जा रही है। तो फाइनली पहुंच चुका हूं मैं और तो बहुत मायने चले जाता है। ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे ये होगा, ये है गेट, इससे तो बस 500 मीटर दूर पे है केदारनाथ मंदिर बाबा का धाम। और चारों तरफ आप देख सकते हो ये कैंपिंग करने के लिए सामान लगा रखा है। और यहाँ पे तो भाई क्या ही कहना है इसका। ये हेलीकॉप्टर उड़ी जा रहा है। तो नहा धो के निकल पड़े हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। आगे मंदिर चलते हैं, दर्शन करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं और आपके भी दर्शन कराते हैं मंदिर से। यहाँ से ही बाबा के दर्शन होना स्टार्ट हो गया। यहाँ देख सकते हो मंदिर का शिखर दिख रहा है यहीं से। जय भोले की। तो चलते रहते हैं और मंदिर के करीब पहुंचते जा रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है जितना पास पहुंच रहे हैं। बहुत थकान हो रही है लेकिन हर हर महादेव, चलते रहते हैं। यहीं पे पीछे एक जगह बना रखी है, वहाँ से ये टोकन मिलता है, मतलब जो हमने जो रजिस्ट्रेशन किया था उसको स्कैन करते यहाँ पे ये टोकन दिया जाता है। इसी टोकन को लेके हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये टोकन हमें जाके शायद वहाँ पे जमा करना होगा, फिर ही हमें दर्शन करने को मिलेगा। ये देखो अब टोकन कैसा दिखता है, मतलब इसी के साथ जमा करना पड़ेगा जो सुना है मैंने। यह है सामने भैरव बाबा, समझदार है। यह है भैरव बाबा का मंदिर सामने और पीछे वादियाँ। यहाँ हमें और इधर को रही है लाइन। जूता जूता उतारना था सर। अच्छा ठीक है, पहुँच गए फाइनली। जूता उतारने दूसरों को घुसी उड़ रहे अंदर। हर महादेव की जय। शंकर भगवान की बम भोले, बम 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 बम भोले, भोलेनाथ की जय। सोचा नहीं था मंदिर इतना बड़ा होगा, जो कभी हमने जो टीवी में इसमें देखा था, वीडियोस में देखा था, लगा नहीं था कितना बड़ा हुआ। और यहाँ पे भीमशिला बहुत ज़्यादा बड़ा है मंदिर, बहुत ही ज़्यादा।
दर्शन होने दो, मैं अपने आप कर लूंगा। तो भाई रूप में ऐसा नहीं लग रहा मैं अकेला, कोई तो है मेरे साथ। चलो 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 आ जाओ। मध्य से तो दर्शन हो गए हैं और दर्शन होने के बाद आए हम भीमशिला के दर्शन करने के लिए। देख सकते हो कितना ही बड़ा ये, फिर से वही कहूँगा मंदिर बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। तो हो गई हमारे दर्शन के बाद बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। भीतर गए थे, भीतर बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन बहुत ही बढ़िया हुआ दर्शन हमारा, शांत हो गया बिल्कुल। देख लीजिए आप एक बार, भाई शांति। तो फाइनली होगी दर्शन होगी है, भाई लोगों की भी दर्शन होगी है, भाई लोग की सही था ना दर्शन किया, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद दर्शन करने के बाद बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो आगे हैं बाबा हमारे सामने, बिल्कुल ठंड बहुत है, मजा आ गया भाई, एकदम मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया हो गया। चलिए।